आप लोगों को दिखाते हैं, एक बार फिर बताएंगे इंट्रोडक्शन। काफी डेंजर जगह है, यहाँ बाइक नहीं चढ़ पा रही थी, लेकिन आप लोग देखिए कि यहाँ आने का जुनून कितना है लोगों में। सो ये रहा आपके साथ। तो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, एक बार फिर आप लोगों के साथ आ गए और चाय का मजा तो आप लोग वीडियो में ले ही रहे हैं कुल्लड़ चाय के साथ। और आज मॉर्निंग में 8 बज रहे हैं आई थिंक, है ना, 8:30 का टाइम हो रहा है और हम लोग अब जाने वाले हैं रायता हिल्स। और काफ़ी शानदार एरिया है, आपको वहीं का व्यू दिखाएंगे। और तब तक लिए चाय का मजा, चुस्कियों का, सर्दियों में कुल्लड़ चाय। उदयपुर आए तो यहाँ पे जरूर आए, हमें यहाँ पे ये चेतन रेस्टोरेंट है, यहाँ की कुल्लड़ चाय बहुत फेमस है, आप आइएगा, मजा लेके जरूर जाइएगा, मजा आने वाला है। तो ये हम अब आ चुके हैं बिल्कुल रायता हिल्स के बिल्कुल बॉटम में, ये देख सकते हैं यहाँ से ये पहाड़ी, ये जो एरिया है पूरा रास्ता हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। और रायता तो फैलेगा, यहाँ आओगे तो रायता का रायता तो जरूर आपको चखना पड़ेगा। यहाँ आएंगे, गूगल मैप बिल्कुल भी काम नहीं करता, गूगल मैप पता नहीं कहाँ रास्ता बता रहा है, कोई मतलब नहीं है, दिमाग का दही हो जाता है, दही से बनता है रायता, रायता। और रायता में हम लोग जा रहे हैं, जो नाम रखा गया है रायता, बिल्कुल सोच समझ के रखा गया है, क्योंकि यहाँ पोस्ते पोस्ते दिमाग का रायता एक बार जरूर बन जाएगा। बिल्कुल फर्स्ट क्लास नाम रखा है। और आप लोगों को यहाँ पे दिखा देते हैं, बारिश के टाइम अगर आप लोग आएंगे तो काफी शानदार व्यू देखने को मिलेगा। यहाँ पे अभी भी पानी बहके जा रहा है, लेकिन फिर जो फ्लो है वो काफी तेज हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिसोर्ट बना हुआ है, अनंता रिसोर्ट। और अगर जाते टाइम अगर टाइम मिला तो जरूर इस रिसोर्ट में से होके जाएंगे, बाकी आप लोगों को व्यू का मजा पूरा दिलवाएंगे, व्यू का मजा लेते हैं एकदम टॉप क्लास। टॉप क्लास, टॉप क्लास, देख रहे हैं एकदम टॉप क्लास व्यू है, बिल्कुल टॉप क्लास। तो मजे आने वाले हैं,
तो वीडियो का पूरा मजा एंड तक लेते रहिए और मिलते हैं आगे। लेट्स गो। हम लोग आ चुके हैं रायता हिल्स के ऊपर और ये पूरा रायता हिल्स का एरिया है और खतरनाक एरिया है। आपको इस एरिया को देख के बिल्कुल अब ये समझ लो लेह लद्दाख जिन लोगों का बजट नहीं है वो लोग उदयपुर आ जाइए। अपने गुजरात और राजस्थान के जितने भी लोग हैं उदयपुर आइए, यहाँ के मजे लीजिए। आप बिल्कुल भी 1% फील नहीं करेंगे कि आप लेह लद्दाख में नहीं है क्योंकि यहाँ की रोडें भी खराब है ना। और सर्दियों में आएंगे आप लोग तो यहाँ पे पानी भी थोड़ा इतना कम है, अब बिल्कुल भी पानी नहीं है। और अगर आप बारिश के टाइम पे आएंगे तो बिल्कुल आपको कश्मीर वाला फील आने वाला है। बहुत ही शानदार, फुल ऑन ग्रीनरी, फुल ऑन रिवर्स फुल बहती है और शानदार मजा आने वाला है। और संजय जी से मजे लेते हैं, इनसे पूछते हैं कैसा रहा सीन आज का। आज का सीन बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा हिल्स हिल्स है यहाँ पे, बहुत प्यारा नेचर है। अगर आप बारिश के टाइम पे आते हैं तो काफी अच्छा ग्रीनरी रहता है क्योंकि अभी तो खैर इतना ग्रीनरी है नहीं। बाकी अगर आप ग्रीनरी वगैरह देखनी है, आपको हिल्स वगैरह देखनी है तो इससे बेस्ट जगह कोई हो ही नहीं सकती। दूसरा, बारिश के टाइम पे झरने काफी बहते हैं तो पानी वगैरह जो है आप जिस पूरा मतलब अच्छे से देख पाएंगे। अभी कुछ है नहीं इतना, सब सूखा पड़ा है अभी थोड़ा, बाकी तो देख ही रहे इतनी शानदार जगह है। सूखा पड़ा है, क्लास कोलोन सूखा पड़ा है, रियलिटी में सूखा पड़ा है। आप सूखे से सारे मतलब निकाल सकते हैं सूखा ही सूखा है, सूखा है सब। बारिश के टाइम आओ तो आपको हरियाली हरियाली मिलेगी, हर टाइप ऑफ हरियाली मिलेगी यहाँ। अभी सूखा ही सूखा है, हम बारिश में वापस आएंगे फुल ऑन मजे दिलाने के लिए, लेकिन अभी आए हैं एडवेंचर करने के लिए। और हर मौसम का अपना एक मजा होता है, वही मजा लेने हम लोग आए। अभी भी मौसम बहुत अच्छा है घूमने लायक, घूमने लायक मौसम है बिल्कुल अच्छा है। गर्मी का फील आपको होगा नहीं क्योंकि सर्दियां चल रही है और धूप की वजह से आपको काफी शानदार मजे आने वाले हैं। और मेन चीज गूगल मैप घर पे छोड़ के आए गूगल मैप का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। गूगल मैप पता नहीं कहाँ का रायता फैला रहा है, असली रायता यहाँ फैला हुआ है। गांव वाले बताएंगे कम से कम 7-10 किलोमीटर में पूरा हिली रायता फैला हुआ है, रायता फैला हुआ है 7-10 किलोमीटर में। अब आपकी इच्छा हो जितना रायता खाओ, जितना। और बाइक से ही आए, कार वाले अपनी कार घर छोड़ के आए नहीं तो कार की बैंड बज जाएगी पूरी।
और यहाँ पे एक्सीडेंट होने की चांसेस भी है क्योंकि रोडें बहुत ज्यादा कंक्रीट वाली हैं और काफी ज्यादा स्लिपरी हैं, तो बाइक सबसे सेफर ऑप्शन है और सबसे ज्यादा मजे भी बाइक पे आएंगे यहाँ पर व्यू का मजा लेने के लिए। सो पे आए हैं यहाँ पर, हमको नए टूरिस्ट गाइड मिले हैं, इनके साथ कुछ वार्तालाप करते हैं। आइए। अरे रुक जा, अरे रुक तो सही, ये घुमाएगा कौन? घुमाएगा कौन? तो ये घूम के आ चुके हैं हम, तो ये ऐसे कह रहे कि बस यही है सीन, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, यही है रायता, यही है रायता, और बाकी चीज तो मैं दे दूं। रायता ट्रिप के अंदर फाइनली हम लोगों ने पानी ढूंढ लिया, अब रायता खा रहे हैं इतनी देर से, तो अब पानी पीने का टाइम आ ही गया। आप देख सकते हैं कितना क्रिस्टल क्लियर पानी है,
बिल्कुल, हमने पानी भी यहीं पिया है, प्यास लग रही थी, ऊपर दुकानें वगैरह नहीं थी तो पानी जो था हमने यहीं पिया। देखिए बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर पानी है और स्नान तो हम करके जाएंगे गंगा नहीं है लेकिन स्नान जरूर करके जाएंगे। और पूछते कैसा लगा यहाँ पानी में आके? अरे पानी में आके तो बिल्कुल मजा ही आ गया, मैं बता रहा हूँ, बहुत चिल्ड पानी है, बहुत क्रिस्टल पानी है, एकदम प्यास थी वो भी बुझ गई, नहाने की ख्वाहिश थी वो भी पूरी हो जाएगी। सो आप लीजिए व्यू का मजा, तब तक हम लेते हैं ठंडे पानी में स्नान का मजा। सो तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। घर जाने का टाइम पूरी तरीके से थक चुके हैं क्योंकि धूप बहुत ज्यादा तेज थी, आए थे थोड़ा और जल्दी आ सकते थे, बाकी अच्छा टाइम था 8 बजे आने का, आज कुछ गर्मी भी ज्यादा ही है सर्दियां होने के बावजूद भी। तो कमेंट और जो भी है आप लोगों का प्यार वो देके बताइए कि वीडियो कैसा लगा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और ये पीछे देखिए सज्जनगढ़ फोर्ट दिख रहा है, तो सज्जनगढ़ फोर्ट आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी वो यहाँ से लगभग 25-30 किलोमीटर दूर है, तो जो भी जाना चाहता है यहाँ से भी जा सकता है डायरेक्ट, रायता तो फैल ही चुका है डायरेक्ट जा सकते हैं। और बाकी आज के जो हमारे मेहमान थे संजय जी, उनसे मालूम करते कैसा रहा आज का ट्रिप। आज का ट्रिप बहुत 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 शानदार ट्रिप था, बिल्कुल एकदम रायता रैपचिक रायता बोले तो स्पाइसी, बहुत प्यारा रायता था और मजा आ गया इस जगह पे आके, बहुत एडवेंचर लाइक जगह है, बहुत पीसफुल जगह है, बहुत मजा आ जाएगा अगर आप बारिश में आएंगे तो, बहुत ही मजा आने वाला है मैं बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल एकदम रायता एकदम रायता जगह है मस्त। आज तो खैर सूखा था, हरियाली के टाइम पे आइए आप लोग मजे लीजिए। तो फिर तब तक के लिए चलते हैं और मिलते हैं अगले किसी सफर पे वापस इसी जोश के साथ, तब तक अपने भाई के चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करवाइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सो लेट्स गो ये।